हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड देम को आगे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रभुपाद की हेल्थ बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी और डिवोटीज की लगभग जान सूख गई थी कि प्रभुपाद हमारे साथ रहें वो चाहते थे और उन्हें लग रहा था कि अब शायद प्रभुपाद हमारे साथ नहीं रहेंगे। मगर भगवान की कृपा से प्रभुपाद ठीक हुए और अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क से वापस सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज को प्रॉमिस किया था कि अगर आप रथ यात्रा निकालेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, या जब भी आप रथ यात्रा निकालेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो अभी सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज बहुत एंथुजियास्टिक थे और उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि अभी हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रभुपाद एयरपोर्ट पे आते हैं तो पिछली बार की तरह फिर से बहुत कीर्तन फ्लावर्स के साथ प्रभुपाद को वेलकम करते हैं सारे डिवोटीज हिप्पीज। लेकिन प्रभुपाद इस बार पहले जैसे, मतलब ही वॉज स्माइलिंग, लेकिन अभी प्रभुपाद स्ट्रेट गाड़ी की तरफ जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे इस बार जयानंद प्रभु थे, तो जयानंद प्रभु प्रभुपाद को डायरेक्टली एक बीच पे, उन्होंने एक प्राइवेट हाउस ले रखा था जहाँ पे प्रभुपाद आराम से रह सकें, बीच पे रिलैक्स कर सकें, प्योर हवा पानी सब अच्छे से मिले और कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे मिलने आने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं पहले टेम्पल जाना चाहता हूँ सैन फ्रांसिस्को के। तो प्रभुपाद जाते हैं वहाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो बीच की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनका प्राइवेट हाउस था। फिर वहाँ पे 2 दिन प्रभुपाद रहते हैं। उसके बाद मुकुंद और श्याम सुंदर प्रभु आते हैं और प्रभुपाद को बताते हैं कैसे सारे डिवोटीज बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत ही उत्साह के साथ रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं जो कि अगले दिन है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद ने उन्हें बताया वो बिल्कुल उसको वैसे ही करें, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता था कि रथ यात्रा क्या है। जैसा जैसा वो सिर्फ सुन रहे थे अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, बिल्कुल वैसा कर रहे थे। फिर प्रभुपाद एक स्केच ड्रॉ करके देते हैं श्याम सुंदर प्रभु को। वो कहते हैं आप एक ट्रक लो, जैसे नॉर्मल ट्रक है, उसके ऊपर आप एक 4 पिलर कैनोपी, जैसे हमने देखा है जैसे रथ यात्रा निकलते हैं एक मंडप जैसा ऊपर कैनोपी होता है, तो वैसे 4 पिलर्स ट्रक के ऊपर रखो और उसमें फिर डीटीज को रखो और उसको जो ट्रक है उसको डेकोरेट करो, फ्लैग्स बेल्स फ्लावर्स इन सब से डेकोरेट करो। और फिर वो श्याम सुंदर प्रभु को कहते हैं जिन्होंने जगन्नाथ डीटीज बनाए थे कि आप ही ये पूरा आप ही इसको बनाइए लकड़ी से और सब कुछ कीजिए, कार्व कीजिए। तो फिर डिवोटीज प्लान करते हैं परेड कहाँ से निकलेगी पूरी। तो उन्होंने बहुत लॉन्ग रूट प्लान किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें अलाउ नहीं किया। पुलिस ने कहा कि आप सिर्फ समुद्र तक जाएंगे, सी तक। उसके बाद मुकुंद प्रभु प्रभुपाद को बताते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम रथ पे ऐसे रख रहे हैं, जगन्नाथ राइट साइड बीच में सुभद्रा माई, तो ये सब ठीक है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ तीनों डीटीज के लिए एक अलग अलग रथ हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मे बी नेक्स्ट टाइम, लेकिन फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, अभी तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कहा डू इट नाइसली, से अच्छे से कीजिए, बहुत जल्दी कुछ नहीं है, आप इसको अच्छे से कीजिए। और प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ट्रक, उनको ये भी नहीं बता था, तो प्रभुपाद उन्हें कहते हैं कि ट्रक धीरे चलाना है क्योंकि रथ यात्रा निकल रही है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली जैसे ट्रक चलता है अपनी स्पीड से, ऐसे नहीं, ट्रक धीरे चलना चाहिए, साथ में कीर्तन चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक रोप है जिससे जिसे लोग खींच रहे हैं, तो लेकिन वो मतलब चल तो ट्रक रहा है लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि लोग जगन्नाथ जी को खींच रहे हैं और कीर्तन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद सब कुछ उन्हें बताते हैं। फिर मुकुंद प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद को बताते हैं कि कैसे जयानंद प्रभु
इतना मेहनत कर रहे हैं इस रथ यात्रा के लिए, वो पूरे डोनेशंस ला रहे हैं फ्लावर्स फ्रूट्स के लिए, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स चाहिए थे, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था, तो वो सारा टाइम डोनेशंस मांग रहे हैं, डेकोरेट करने के लिए लोगों को लेके आ रहे हैं डेकोरेशन के लिए, साउंड सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, और वो हर एक दुकान में जाके पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके उत्साह से बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सारी माताएं दिन रात चपातियां बना रही हैं क्योंकि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होगा कांस्टेंट, और मतलब हंड्रेड्स ऑफ हरे कृष्णा रथ यात्रा फेस्टिवल बलून्स रिलीज किए जाएंगे जैसे ही रथ यात्रा शुरू होगी। तो इस तरह से सबकी प्लानिंग थी। तो फिर प्रभुपाद से वो पूछते हैं डिवोटीज की और क्या किया जा सकता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि रथ के सामने कॉन्स्टेंटली चैंटिंग और डांसिंग होना चाहिए, और हमारा मोटिव है कि हर कोई जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके, कीर्तन सुन सके, चैंट करे एटलीस्ट एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। और प्रभुपाद कहते हैं हर चीज अच्छे से करना, डू एवरीथिंग नाइसली, तभी जगन्नाथ आपसे संतुष्ट होंगे। फिर अगले दिन प्रभुपाद अपने रूम में थे। प्रभुपाद मतलब आप इस तरह से सीन को समझे कि प्रभुपाद बीच में एक प्राइवेट हाउस में है और रथ यात्रा मंदिर से चलनी शुरू होगी और उस बीच पे रुकेगी। तो अभी जब प्रभुपाद बैठे थे अपने रूम में चैंटिंग कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं थी तो प्रभुपाद ने उन्हें रथ यात्रा में ज्वाइन नहीं किया था। तो फिर रथ यात्रा उधर प्रभुपाद अपने जब रूम में बैठे थे तो प्रभुपाद को आवाज आने लगी हरे कृष्ण महामंत्र की और करताल की। तो प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई और प्रभुपाद मुस्कुराते हुए खिड़की के पास गए, तो देखा बहुत सारा क्राउड हिप्पीज डांस कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, और वो सब प्रभुपाद को देख के इतना प्रसन्न हो जाते हैं। फिर डीटीज को प्रभुपाद के लिविंग रूम में लाया जाता है, कि वो बहुत बड़ा प्राइवेट हाउस था और बहुत सारे डिवोटीज अंदर जाते हैं, प्रसादम पाते हैं, डीटीज को वहां रखा जाता है और हर कोई बहुत तारीफ करता है कि बहुत अच्छा रथ यात्रा फेस्टिवल हुआ, अमेजिंग, मतलब इस तरह से फीडबैक सब देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं, वो प्रभुपाद से शेयर कर रहे थे कि कैसा रथ यात्रा हुआ, क्योंकि प्रभुपाद उनके साथ नहीं थे उस टाइम, तो बता रहे थे कि सारे कुछ डिवोटीज रथ के ऊपर थे और एप्पल्स और ऑरेंज और बनानास फ्लावर्स ये सब कट करके दे रहे थे, और यमुना माता जी हारमोनियम बजा रही थी और कुछ डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे, और सुबल प्रभु जो थे वो बहुत डांस कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, और जयनंद प्रभु तो करताल से बस ऊपर नीचे उछल उछल के नृत्य कर रहे थे, और पुलिस चाह रही थी कि ये क्राउड जल्दी जल्दी निकले, लेकिन डिसाइपल्स इतने स्ट्रांग थे कि प्रभुपाद ने कह रहे थे यात्रा स्लो निकलनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे चल रहे थे। तो उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो प्रभुपाद सब सुन के बहुत प्रसन्न थे, और वो खुश थे कि उनके शिष्य जिनको कोई आइडिया नहीं था रथ यात्रा के बारे में, उन्होंने इतना सिंसेरिटी दिखाया और रथ यात्रा निकाला। और प्रभुपाद सोच रहे थे कि आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रसन्न होंगे कि आज अमेरिका में पहली रथ यात्रा निकली है। फिर स्वामी जी मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली पूरा संसार, अपने शिष्यों को कहते हैं कि पूरा संसार चिंता से ग्रस्त है और आध्यात्मिक जगत में चिंता लेश मात्र भी नहीं है, और चिंता से मुक्त होना और वापस आध्यात्मिक जगत जाना, ये हमारे कृष्ण भावनामृत इस आंदोलन का लक्ष्य है। और प्रभुपाद कहते हैं अगर मेरे पास लक्ष्मी है और अगर मेरे पास लोग हैं तो मैं ऐसा फेस्टिवल रोज कर सकता हूँ, और कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो अनंत है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये रथ यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई, इसको इतनी सफलता मिली, तो ये एक और लक्षण था कि अमेरिका कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी प्रभुपाद का अभी भी लेकिन कांस्टेंट प्लान चल रहा था कि उन्हें इंडिया जाना है, और प्रभुपाद को की हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो प्रभुपाद को लग रहा था कि अगर मेरे को शरीर त्यागना है तो मैं वृंदावन में ही त्यागूं। लेकिन प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को ये भी बताते हैं कि जैसे वृंदावन में अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसको निश्चित ही भगवत धाम मिलता है, कृष्ण का धाम, लेकिन जब महाप्रभु वृंदावन से बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो उनके एक जो एक भक्त थे जो पार्षद एसोसिएट अद्वैत, तो वो कहते हैं जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली अगर आप पूरी तरह से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो वो भी वृंदावन है, तो अगर मैं प्रचार करते हुए कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण के बारे में सबको बताते हुए शरीर त्याग रहा हूँ तो वो भी वृंदावन है, तो मैं चाहे अमेरिका में हूँ या चाहे कहीं भी हूँ।
लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं फिर भी वृंदावन इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे शिष्य हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, वो उन स्थलियों का दर्शन कर सके जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, और वहाँ पे उनका एक सपना, एक उनका वो चाहते थे कि एक अमेरिकन हाउस हो वृंदावन में जहाँ पे सारे उनके डिसाइपल्स रह सके। लेकिन जो सैन फ्रांसिस, क्योंकि सारे डिवोटीज तो नहीं जा सकते थे इंडिया, अब कुछ डिवोटीज को सैन फ्रांसिस्को में रुकना था क्योंकि टेम्पल एस्टेब्लिश हो गया, तो वो डिवोटीज इतने चिंतित थे कि प्रभुपाद अगर चले गए और वहीं पे अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो फिर तो वो कभी वापस नहीं आएंगे, और वो बहुत इस बात से चिंतित थे फिर हमें आगे कौन बताएगा कृष्ण भावनामृत के बारे में, और फिर हम स्वामी जी के बिना कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी लाइफ कर पाएंगे। तो फिर एक एक डिवोटी सजेस्ट करता है कि अगर स्वामी जी वापस नहीं आते तो उनका कोई गुरु भाई आ जाए, और अगर जरूरत पड़े हमें गाइड करने के लिए आ जाए, और अगर जरूरत पड़े तो इस्कॉन में जो लीडरशिप का पोजीशन है वो देख लें, मतलब वो लीडर बन के आगे कंटिन्यू करें इस्कॉन को। और जब प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया ये जो भी सजेशन मिला। फिर प्रभुपाद जब अपने रूम में बैठे थे तो मुकुंद प्रभु बताते हैं कि मैं स्वामी जी के साथ अकेला बैठा था और वो बहुत ही ज्यादा ग्रेव थे और शांत थे, उनकी आंखें बंद थी और अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भारी आवाज में कहा, माय स्पिरिचुअल मास्टर वॉज नो ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे जो आध्यात्मिक मेरे जो गुरु हैं वो कोई साधारण गुरु नहीं है। और फिर वो थोड़ी देर रुके और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उन्होंने और भारी आवाज में कहा, उन्होंने मेरी रक्षा की, ही सेव्ड मी। तो तब मुकुंद प्रभु ने कहा कि मैं समझा कि वास्तव में गुरु का क्या अर्थ है, और गुरु को रिप्लेस करने का जो ख्याल है मैंने तुरंत त्याग दिया। फिर 2 दिन बाद प्रभुपाद ने सबको बोला कि मैं अपना कोई गुरु भाई नहीं भेजूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर एक शब्द भी अलग बोला उन्होंने जो मैंने बोला उससे तो बहुत ज्यादा आपके बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो आपका आइडिया है कि हम प्रभुपाद किसी गुरु भाई को भेज दें और फिर वो लीडरशिप पोजीशन संभाले, ये जो आपका आइडिया है ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर के टूवर्ड्स एक बहुत बड़ी इंसल्ट है, तो आपको ऐसा आइडिया त्याग देना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद की जय।